चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि आखिर फेडरलिज्म है क्या। देखो फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को कहते हैं जिसमें पावर्स को दो और उससे ज्यादा गवर्नमेंट में बांट दिया जाता है। जैसे इंडिया में 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है। अब गवारों टायर मतलब एक कार वाला टायर मत समझ लेना, टायर लेवल को कहते हैं। हम लोगों के इंडिया में 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। सो ये तीनों है, मतलब कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। लेकिन अगर ये कहना इतना ही आसान होता तो एनसीईआरटी वाले ये चैप्टर ही क्यों रखते हैं। चलो इस पूरे चैप्टर में घुसने से पहले हम लोग देख लेते हैं फेडरलिज्म के फीचर। आखिर फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या होते हैं। फेडरलिज्म का पहला फीचर ये होता है कि फेडरलिज्म में किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट को दो या दो से ज्यादा लेवल में डिवाइड कर दिया जाता है। दूसरा फीचर ये है कि सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट का काम फिक्स रहता है। सब लोगों को बता दिया जाता है कि आखिर तुम लोगों को करना क्या क्या है। अब ये कैसे बताया जाता है, कौन बताता है, इसका आंसर मिलेगा हम लोग को थर्ड फीचर में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पेसिफाई करता है कि किस किस गवर्नमेंट का क्या क्या काम है, मतलब कौन सा लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या करेगा, कौन सा गवर्नमेंट आखिर कौन कौन सा काम करेगा, कौन कौन से लेवल ऑफ गवर्नमेंट को किस किस काम से डील करना है। इसके बाद हम लोगों का फोर्थ फीचर है कि किसी भी फेडरल कंट्री में किसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स चेंज नहीं किए जा सकते, मतलब कि कोई भी फंडामेंटल इश्यू पे, फंडामेंटल इश्यूज जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, इन सब पर कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंजेस नहीं कर सकती है। इसके बाद हम लोगों का फिफ्थ फीचर है कि इन केस अगर कभी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट छोटा छोटी करने लगते हैं, मतलब अगर उनमें लड़ाई हो जाता है, तो हम लोगों की जुडिशरी, हम लोगों का कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये बीच में आकर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फैसला लेंगे और इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स को मिटाएंगे। इसके बाद फेडरलिज्म का सिक्स्थ फीचर है कि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का फिक्स रिवेन्यू सोर्स रहता है। मतलब ये नहीं कि अगर कोई गवर्नमेंट के पास पावर है, पुलिस वुलिस उन्हीं के हाथ में, अगर तो ये नहीं राह चलते आदमी को दो डंडा मार के पैसा ले लेंगे। एक फिक्स रिवेन्यू सोर्स बताया गया रहता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आखिर हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा कहां से। इसके बाद फेडरलिज्म का एक सेवेंथ फीचर है कि किसी भी फेडरल कंट्री में एकता को बढ़ाया जाता है, यूनिटी को बढ़ाया जाता है। इसके बाद जितने भी डाइवर्सिटीज रहती हैं उन सभी को साथ लेकर चला जाता है। ये नहीं कि किसी को डिस्क्रिमिनेट कर दो, किसी को मार्जिनलाइज्ड कर दो, सभी को साथ लेकर चला जाता है। और यही 7 मेन फीचर्स हैं जिसके वजह से कोई भी कंट्री फेडरल कंट्री बनती है, या फिर मैं घुमा के कहूं तो सभी फेडरल कंट्रीज इन्हीं 7 फीचर्स पर बेस्ड रहती हैं, इन्हीं 7 फीचर्स को फॉलो करती हैं। मुझे लगता है तुम लोग को अच्छे से याद हो गया होगा। अगर याद हो गया है तो लाइक करो और फोकट में वीडियो मत देखो, अपने चुटपुटिया दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो जिससे उन लोग तक भी थोड़ा ज्ञान पहुंच जाए। इसके बाद फेडरलिज्म के 2 टाइप होते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन।